हाँ एक्चुअली रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा था तो वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। कंफर्म रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? ओके यस श्योर कंफर्म हो रहा है। क्योंकि यार रिकॉर्डिंग नहीं होगा फिर मेरा ऐसा ना है कि मैं कुछ प्लान या स्क्रिप्ट लिख के बनाता नहीं हूँ वीडियो या कुछ करता नहीं हूँ। तो मेरा वीडियो मुझे खुद बोलिएगा इमरान ना सिर्फ फिर से दोबारा वीडियो बना दो प्राइस सेक्शन का, नहीं बना पाऊंगा ठीक है। क्योंकि क्या क्या बोले थे वो जो 5 साल का जो एक्सपीरियंस है वो जैसा उस फ्लो में निकलता है उसके हिसाब से बनाता हूँ है ना। तो उसके हिसाब से हम लोग पहले वॉच लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं आज का। उसका ये 145 का क्या, अच्छा सॉरी 925 के बाद बनाएंगे वॉच लिस्ट ना। यस कैन वी यूज एडवांस डिक्लाइन 145? हाँ भाई 145 यूज़ कर सकते हो। पोजिशन साइजिंग सही, गुड 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 क्वेश्चन। किस बेसिस से बनाया है? खुशबू जी पता नहीं, फर्स्ट सेशन में बताया गया है और वो आप देख लीजिएगा वीडियो, पर फर्स्ट सेशन का वीडियो उसमें आपको समझ में आएगा। नहीं खुलते ही से ही नहीं बाय करना है ठीक है, वेट करना है। पोजीशन साइजिंग में बता दूंगा आज है ना क्या लेना है। वैसे मैंने बताया था फर्स्ट सेशन में लेकिन फिर भी मैं दोबारा रिपीट कर देंगे। ओके और कोई सवाल है? यहाँ पे जाइए, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ है तो अभी 10 मिनट है फ्री, हम लोग कुछ भी क्वेश्चन पूछिए है ना, नो प्रॉब्लम। स्केल्पिंग के लिए बेस्ट टाइम बताया गया है आपका 9:30 to 10:30 के बीच में और आपका 1:30 to 2:30 के बीच में। बाकी आप पूरा सीख लीजिएगा तो फिर कोई भी टाइम स्केल्पिंग कर सकते हैं। यदि आपने कल ज्वाइन किया है तो फर्स्ट, यदि आपने फुल डेज का कोर्स लिया है तो पूरा सारा अपलोड किया गया है 5 डेज वाला में ठीक है। और यदि आप केवल 1 डे का लिए हैं तो फिर कहाँ से मिलेगा है ना। ये बंद कैसे हो? सब में काम करेगा प्राइस सेक्शन भाई ठीक है, सब में काम करेगा। नहीं कोई अंदर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना क्या बोलते हैं जैसे आप कार ड्राइव करते हैं ना आदत हो जाता है ना वैसे ही आप ये मेंटेन कीजिए। ये क्यों होने बंद कैसे होगा? चलो ठीक है बाद में क्यों होने वाला हम लोग बात कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। हाँ फिर से कुछ उसी आया। हो गया सही। क्या था वो हमारा 33,500 से 1,000 किया वो वही है, मतलब लगभग 900 किया था। तो हमेशा हम लोग इन द मनी में ट्रेड लेते हैं। आज हम लोग ऑप्शन बाइंग भी करेंगे सेलिंग भी करेंगे ठीक है। और 145 भी आप लोग करते ही हैं ठीक है, 325 आप लोग का होगा ही है ना। तो 325 में देख लीजिए थोड़ा देर 9:30 तक, उसके बाद फिर पी एग्जिट करके सी में क्वान्टिटेट करना है, बता दूंगा ठीक है जितने लोग होल्ड किए होंगे। तो क्यू एन ए सेशन बाद में कर लेंगे हम लोग, अभी आज का स्टार्ट करते हैं लर्निंग पॉइंट। और एक चीज़ और भी देख लेते हैं आपका, देखिए ओपन और हाई सेम है ना। ओपन है अभी, क्वांटिटी मत ऐड कीजिएगा क्योंकि ओपन और हाई सेम है ये भी देखना जरूरी है ठीक है। यदि आपका 9:30 तक यही रहता है फिर आपका डाउन ट्रेंड हो जाता है, एग्जैक्ट सेम है। और बैंक निफ्टी में देख लेते हैं,
बैंक निफ्टी में 200, बैंक निफ्टी में नहीं है तो मतलब वोलेटाइल रहेगा, फिर भी देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। इसलिए हमेशा बोलता हूँ 9:30 के बाद करना है ट्रेडिंग, है ना। इसलिए मैंने प्री ओपन भी में बोला था कि क्वांटिटी अभी ऐड नहीं करना है। और ये ट्रेंड भी हम लोग चेक कर लेते हैं, केवल HDFC डाउन हो गया, उस दिन वो बढ़ा दिया था और ये आज गिरा रहा है। और आपका इधर भी डाउन हो गया। चलो तो हम लोग रेडी रहते हैं। थोड़ा सा छोटा वाला लेते हैं, 17,600 पी लेते हैं। ये 9:30 के बाद लेना है, अभी हम लोग वॉच लिस्ट बना रहे हैं, है ना। और आपका बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। निफ्टी का भी सीधी देख लेते हैं हम लोग। कुल मिला के 2 दिन में प्रीमियम खा गया जैसा एक्सेप्टेड था। ठीक है, आज हम लोग ऑप्शन सेलिंग भी करेंगे तो हम लोग छोटा वाला जो होता है प्रीमियम वो भी हम लोग रखेंगे वॉच लिस्ट में। नाइन ट्वेंटी हुआ है, नहीं बोनस पॉइंट दे रहा हूँ कि इसलिए छुट्टी जब रहता है इसलिए मैं हमेशा ऑलरेडी मैंने बोला था कि 325 में क्वांटिटी कम रखना है, ठीक है। चले भले आपका ज़्यादा हो कम हो, तो अभी लॉस दिखा रहा होगा, सब हो रहा होगा, तो अभी हम सबको क्या जवाब दें, अभी बस होल्ड करो। जैसे मैंने बताया गया, ना ही 485 के नीचे मार्केट गया, ना ही आपका अभी 600 ऊपर गया है ना। लेकिन हम लोग स्कैल्पिंग तो करेंगे, स्कैल्पिंग का इससे रिलेटेड कुछ नहीं है, स्कैल्पिंग अलग है, ठीक है। और बाकी सारा स्ट्रेटजी 325 हो या 145 हो, जो भी हो, सब सब एक ही है। ये मैंने वॉच लिस्ट बनाया है, ये क्या बोलते हैं ऑप्शन सेलिंग करने के लिए, ताकि ये बाय करने के बाद आपको मार्जिन मिल जाए, ठीक है। मार्जिन के लिए हम लोग बाय करेंगे, जिम सपोज कीजिए कि हम लोग पी सेल करेंगे तो हम लोग पी बाय करना पड़ेगा, ठीक है। और यदि सी सेल करेंगे तो फिर हम लोग को सी बाय करना पड़ेगा, ठीक है। बाद में ट्रेंड फिर से चेंज हो गया। देखो 10 मिनट कितना मार्केट वोलेटाइल रहा, ठीक है। इसलिए स्कैल्पिंग का मैंने रूल बताया कि 9:30 के बाद ही करना है, ठीक है। 9:30 के बाद ही करना है, तो 10 मिनट काफ़ी मार्केट वोलेटाइल रहता है। उसमें बता रहा था आपका पी का, फिर अभी सी का, है ना। तो ये 9:30 का इसलिए लॉजिक है।
फिर भी हम लोग जब ट्रेड लेंगे तो एक बार हम लोग ये देख लेंगे क्या ट्रेंड है ओवरऑल मार्केट का। बैंक निफ्टी में आपका 27 डिक्लाइन, 23 डिक्लाइन, मतलब 50-50 है ना। ज़्यादा बड़ा मूवमेंट होने का भी कुछ है नहीं, लेकिन धीरे धीरे आपका डिक्लाइन कम हो रहा है। तो लेट्स सी क्या होता है। इसका नेक्स्ट सेशन में हम सिखाएंगे कैसे आप ये, मैंने जो बोला था कि अभी सपोज कीजिए कि आपका निफ्टी चल रहा, बैंक निफ्टी चल रहा है आपका 38,000, तो हम लोग 36,000 का सी कैसे बाय करके हम लोग तुरंत प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, वो नेक्स्ट सेशन में सिखाएंगे। और इसके पीछे लोग जी इस थोड़ा सा और कम, बहुत ज़्यादा हो गया ये, मतलब 1500 से 1200 होना चाहिए, 1500 टू ये होना चाहिए, है ना। और कैसे आप, अरे यार 37,000 से। इसको अभी बाय मत करो, इसको बस देखो अभी, है ना। ये इसका वो नेक्स्ट सेशन में बताएंगे। वन फोर्टी फाइव का क्या होगा? सत्रह हज़ार। सत्रह हज़ार 650 पे ही हो जाएगा। सत्रह हज़ार, चार सौ से जितने लोग ये 37 से ही देख रहे होंगे तो आपका तुरंत देखे होंगे 30 पॉइंट के ऊपर चला गया, ठीक है, 30 पॉइंट के ऊपर चला गया। तो वो इसका लॉजिक बाद में बताएंगे, ठीक है। तो हम लोग पी सेल करेंगे, तो इसके लिए पहले हम लोग पी बाई कर लेते हैं ना, आप अपना जो क्वांटिटी के हिसाब से। लेकिन इसमें भी सेम रूल कि एक बार में आपको ये नहीं लेना है ना। और ये सॉरी, इसको MIS में कर दीजिए आप, कहाँ से होगा। नॉर्मल बाय हो गया। चलो एक बार और बाय कर लेते हैं। ये ट्रेड नहीं, ये हम लोग मार्जिन के लिए बाय कर लेंगे। जिनका कैपिटल कम होगा वो बाय, ऐसा क्वांटिटी बाय करना कि आपका हीरो हो जाएगा, ये जीरो होने के लिए। लेकिन क्वांटिटी हम तो ट्रेंड ओवरऑल आपका वैसे तो उसी समय करना था शायद, लेकिन फिर भी ठीक है। तो 2 से 3 बार में क्वांटिटी हम लोग ऐड करेंगे। और सेलिंग में वही है, चाहे बाइंग करो या आप सेलिंग करो, है ना, सेलिंग भी वही है। थोड़ा सा जब ऊपर जाएगा तब हम लोग यहाँ पे सी भी बाय कर लेंगे, तो दोनों से ट्रेडिंग ट्रेडिंग हो जाएगा आपका, है ना। अब ये देखे होंगे 1396 चला गया, वो दूसरा लॉजिक है, ठीक है। सी एक साथ में बाय कर लेंगे, जब ये 310 320 चला जाएगा ना, तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं, क्योंकि बाइंग है ना, थोड़ा सा और नीचे आने दीजिए। वैसे जिनको कम क्वांटिटी ऐड करना हो वो ऐड कर सकते हैं।
724 में बाय हो गया, इसलिए देखो अभी एक साथ में यदि बाय करते हैं ज़्यादा क्वांटिटी तो फिर लॉस हो जाता है ना। इसलिए हमेशा क्वांटिटी 2 से 3 बार में ऐड करो तो अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा। ट्रेंड केवल HDFC प्लेट है, बाकी पुल आपका रेड हो रहा है। लेट्स सी, एक बार ओवरऑल देख लेते हैं हम लोग क्या चल रहे हैं। 50-50 चांसेस है और बैंक निफ्टी का डिक्लाइन ज़्यादा हो गया, तो इसको देखते हैं 5 मिनट, नहीं तो हम लोग उसको एग्जिट करके भी हम लोग दूसरा पोजीशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी जैसे नया नया लर्निंग मिल रहा है कि अभी हम लोग क्या किए, ट्रेंड पहले देखें और ट्रेंड आपका भी चेंज हो गया तो पहले इसलिए हम लोग कम क्वांटिटी मतलब ऐड किए, मतलब कम क्वांटिटी ताकि बड़ा लॉस नहीं हो, ठीक है। तो थोड़ा और देख रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग एडिट करके नया होगा तो दोबारा हम लोग रिवर्स ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए बस।
आपका मेन आपका HDFC फ्लैट है, मतलब ट्रेंड आपका क्लियर है ही नहीं, साइडवेज है। इसी और आप ध्यान देख रहे होंगे कि मैं पोजीशन देखता ही नहीं हूँ, कितना लॉस चल रहा है, कितना प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है, उसको देखने से कोई फ़ायदा ही नहीं होने वाला है। इसको भी हम लोग एग्जिट कर रहे हैं क्योंकि ट्रेंड के ऑपोजिट हम लोग ट्रेड लिए हैं, ट्रेंड चेंज हो गया, नो प्रॉब्लम, दोबारा ट्रेड लेंगे, ये भी सीखना जरूरी है। तो और वेट कर लेते हैं, अब भले बाद में ये चला जाए, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जो रूल है ना कि आपका ट्रेंड आपका सडन चेंज हो गया, डिक्लाइन ज़्यादा बता रहा है, ठीक है, और आपका बैंक निफ्टी भी ज़्यादा है, तो चांसेस है PE का, लेकिन बहुत रेयर केस में है, ठीक है, फिर भी हम लोग सेफली क्लोज कर देंगे। हम लोग PE बाय करेंगे जब ये ICICI बैंक ट्रेड हो जाएगा, तब हम लोग PE बाय करेंगे, और आपका ये इसमें और निफ्टी में PE तभी बाय करेंगे जब आपका रिलायंस भी डाउन हो जाएगा। वैसे ऑलमोस्ट सब डाउन हो गया है, लेट्स सी। अभी हम लोग भले लॉस लिए, लेकिन एक नया लर्निंग मिला कि नहीं, यदि ऐसा ट्रेंड हो, ऐसा कंडीशन आए, तो वहाँ पे आपको एग्जिट करना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको भगवान भरोसे आपको होल्ड करके रखेगा, ठीक है। इसलिए हमेशा पहले कम क्वांटिटी ऐड करना है, उसके बाद ज़्यादा क्वांटिटी ऐड करना है, तभी आपका ये करना है आपको, ठीक है। और फिर इसमें भी ट्रिगर हो गया ट्रेड, जो आज फर्स्ट डे या सेकंड डे ज्वाइन किए होंगे तो उनको नहीं समझ आया होगा, तो डाउट सेशन में क्लियर हो जाएगा, तो नॉट वरी।
और कल का जो वीडियो बनाया था उसके हिसाब से भी आप देखे होंगे कि प्राइस हायर हाई बना रहा था, कभी ऐसा नहीं हुआ कि लो बनाया उसके बाद लो बनाया उसके बाद फिर नीचे चला गया, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमने लॉजिक सेफली एग्जिट कर दिया, उसके बाद एग्जिट के बाद क्या हुआ आप लोग खुद देख लेंगे। पी इसलिए बाय नहीं किए क्योंकि रिलायंस और आपका आईसीआईसीआई बैंक पूरा मतलब अप है, तो वो थोड़ा सा रेट हो जाएगा तो फुल कंफर्मेशन मिल जाएगा। आई थिंक 145 ट्रिगर होगा, 145 में आप वो ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे केवल हमने स्कैल्पिंग से करें, फिर से एक बार देख लेते हैं क्या चल रहा है अभी, क्योंकि 100 हमारा रॉन्ग हो गया, उससे भी काफ़ी लर्निंग मिला होगा। अभी चेंज हो गया लेकिन उतना क्लियर हुआ नहीं है, आपका बैंक निफ्टी में भी ज़्यादा चांसेस है पे बढ़ने का। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है आपका ये आईसीआईसीआई बैंक, और क्योंकि इसका वेटेज ऑलमोस्ट 15% के ऊपर है, और आपका रिलायंस ये डाउन नहीं हुआ है, ये डाउन हो जाएगा तो शार्प फॉल देखेंगे ना, तो फिर से हम लोग को रिकवरी देखेंगे। तो ऐसा कंडीशन में वेट करना आपको है ना, फॉर्म में नहीं पड़ना। पे घूम रहा है, डांस कर रहा है मार्केट। यहाँ 90% लोग तो सडन
जब चाहो ऑर्डर मारने वाले लोग होंगे, ठीक है। लेकिन चलो पूरा 5 सेशन हो जाएगा, उसके बाद फिर आप लोग एटलीस्ट वो गलतियां नहीं कीजिएगा, वेट कीजिएगा ट्रेड का। ₹145 क्लोज कर दीजिए कोस्ट टू कोस्ट, ठीक है, सेफ्टी के लिए, क्योंकि ट्रेंड क्लियर नहीं है तो मे भी वहीं पे घूमते रहे मार्केट, तो को लिए होंगे तो क्लोज कर दीजिए 145। एक बार ट्रेंड क्लियर हो जाए उसके बाद फिर डोंट वरी, प्रॉफिट में आ जाएगा सब। आप लोग बोलिए क्लोज क्यों करवा दें, क्योंकि मैं एक CEP दोनों रखा हूँ ना, तो उसके हिसाब से मैं देख रहा हूँ, हायर हाई ब्रेक नहीं किया या तो ये लोअर लो ब्रेक नहीं किया, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा बाउंस भी गाना था, ठीक है। लेकिन मैं बहुत फास्ट करता हूँ स्कैल्पिंग, और मैं भी आप लोग नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं ऐसा स्कैल्पिंग करना चाह रहा हूँ जैसे ताकि सबका प्रॉफिट हो। अभी सब ऑलमोस्ट रेड था, तुरंत ग्रीन हो गया।
काफी लाइट मार रहा है आंखों में। पाँच मिनट और वेट करते हैं, उसके बाद हम रोटेट करेंगे दोबारा।
अभी भी ICICI और HDFC रिलायंस थोड़ा सा डाउन आया। लेट्स सी, दस पौने मार्केट टाइम पास कर रहा हूँ। क्लासेज इनका मिस हुआ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। ठीक है, इसका कॉलो नहीं। कोई खास गिरा नहीं मार्केट, मतलब आपका फ्लैट फ्लैट दोनों चल रहा है। ये जैसे गिन हो जाएगा सब इन लोग उठा के ले जाएगा। लेकिन एग्जिट कैसे करना था वो हम लोग सीखे अभी है आज। लेकिन पूरा क्लियर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि ये पी बाय करने में, क्योंकि रिलायंस और HDFC पूरा फ्लैट।
जस्ट 145 में टारगेट हिट हो गया, नो प्रॉब्लम। ये बहुत दुखा, दोबारा रिव्यू कर ले रहा ट्रेंड क्या है हम लोग का। मे बी ये चेंज नहीं हुआ फुल्ली आपका, दोनों फ्लैट चल रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों, लेकिन बैंक निफ्टी में 9 आपका डिक्लाइन आ गया है, कहीं डाउन हुआ HDFC बैंक। वो डाउन नहीं हुआ, आप लोग फ्री है ना? मतलब अभी मैं भी 1 से 1.5 घंटे स्टेशन स्टार्ट चलेगा कंटिन्यू। हेलो, आवाज़ जा रहा है, 1 सेकेंड। चलो ठीक है, ओके ओके ओके, क्योंकि ये ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं करना है, ठीक है? एक ट्रेड हम लोग लिए सब देख के लिए, ठीक है, और उसे लर्निंग हम लोग मिला, ठीक है, हम लोग टाइमली एग्जिट कर देंगे। लेकिन मार्केट एक ही रेंज में घूम रहा है, HDFC डाउन नहीं आया, ठीक है, या जो भी नहीं आया, तो उसके लिए मतलब ये हम लोग पी बाय नहीं किए हैं, ठीक है, तो वेट कर रहे हैं, ठीक है, वही मैं पूछ रहा था, तो मैं ब्रेकफास्ट भी कर ले रहा हूँ। वॉइस आई थिंक क्लियर जा रहा होगा, तब तक मैं ब्रेकफास्ट भी कर लेता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ये श्योर है कि प्रॉफिट में आएगा, उसका टेंशन मत लो। क्या चाहिए? मैगी तो मैगी मैगी आज मैगी खाने का मन कर रहा है।
लाइट मार रहा है। वही मैं बोल रहा था कि अभी पी इसलिए बाय नहीं कर रहे थे, चारों तरफ से पी था, लेकिन मेन HDFC आपका अभी देखो ऑलमोस्ट ग्रीन होने वाला है, 1 पॉइंट बचा हुआ है ना। फिर से हम लोग पी को सेल करेंगे क्लियर होने के बाद। लेकिन 145 प्रॉफिट देने के बाद नीचे आया। तो ग्रीन हो गया HDFC, रिलायंस भी हो गया, रिलायंस भी हो गया। ये केवल हम लोग को सुबह सुबह लर्निंग के लिए लॉस करवाया, नो प्रॉब्लम।
ऐसा मार्केट बहुत मतलब रेयर केस में होता है, वो भी मॉर्निंग में एक बार सी एक बार पी, है ना। अभी भी क्लियर है नहीं, है ना। तो जिनको मतलब सेफली रहना है मार्केट में, तो ऐसा कंडीशन में ट्रेड ही मत करो। देखो मैग्नीट्यूड में आधा बोल रहा है, हाँ ये अप एंड डाउन दोनों चल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में या तो कम क्वांटिटी से कीजिएगा, या तो आप ये क्या बोलते हैं कीजिएगा हिम्मत, जिनको सेफ ट्रेडिंग करना है ना। लेकिन मेन मेन जो अभी हम लोग सीखें कि ये चलो एज ए केवल रूल्स के लिए हम लोग इसको एग्जिट किए हैं, ठीक है। बाकी वो तो फिर उसके ऊपर ही चला गया, क्योंकि और हम लोग पी क्यों नहीं बाय किए, क्योंकि वहाँ पे रिलायंस और HDFC मतलब वो सिग्नल दे नहीं रहा था, ठीक है, इसलिए नहीं बाय किए थे। तो फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, कम लॉट से करते हैं, फिर से पी सेल कर रहे हैं। ये केवल टाइम पास मार्केट के लिए है, लेट्स सी क्या होता है। सी बाय करेंगे, थोड़ा नीचे आए तो सी बाय करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग दोनों तरफ से ट्रेप से बचे हैं, ठीक है। एक तो जल्दी हम लोग एग्जिट आराम से कर दिए एग्जिट, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो गया था, रिलायंस भी आपका डाउन हो गया था और HDFC भी डाउन हो गया था, ठीक है। और जब डाउन होके फिर से जब ग्रीन होने लगा, तो वहाँ हम लोग पी लेना था, लेकिन लेते तो फिर आपका लॉस हो जाता। कहाँ आपका 400 था पी, आपका 400 था, वहाँ से फिर ऐसे आपका 295-96 आ गया, है ना। तो वैसे मार्केट में या तो आप कम लॉट से करो, या तो आप सेफ ट्रेडिंग करो, ठीक है। और फिर से हम लोग लिए हैं, इस बार प्रॉफिट में रहेंगे हम लोग, लेकिन क्वांटिटी ऐड करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। क्योंकि 50-50 है मतलब ये चांसेस, लेकिन जब पूरा ये आपका ट्रेंड क्लियर हो जाता है, ठीक है, तो ये जो मार्केट है ये भगाया, नीचे से कौन भगाया, आपका ICICI बैंक भगाया, ठीक है, या HDFC बैंक भगाया, है ना, और रिलायंस भगाया, ये तीन। अब ऑप्शन बाइंग करो सेलिंग करो, ठीक है, दोनों में लॉस होगा, दोनों में प्रॉफिट होगा। यदि आप सही से कीजिएगा दोनों में प्रॉफिट होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, ह्यूमन साइकोलॉजी, लोग 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 एक्सेप्ट नहीं करता है लॉस, ठीक है। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा लॉस। निफ्टी का भी हम लोग पी सेल करते हैं। इसकी एवज में एक बाई भी कर लो। पांच रुपये ज़्यादा हो गया। और इसका लॉजिक मैं बात बताऊंगा, ठीक है। ये देखे होंगे आया होगा लगभग 1100 आया, 1100 से फिर 1400 पहुंचने वाला है। दूसरा लर्निंग ये है कि आपको हमेशा प्रॉफिट नहीं देखते रहना है, कितना लॉस चल रहा है कितना प्रॉफिट चल रहा है, वो देखते रहेगा तब तो ट्रेडर बन गया हम। बाकी बहुत सारा लर्निंग अभी देने वाला हूँ, वेट करो।
मेन आपका एच डी एफ सी ग्रीन हो गया, आई सी एस टी तो ग्रीन था ही, और रिलायंस भी फ्लैट चल रहा है। आ जाएगा ग्रीन में, नो प्रॉब्लम। प्री में प्रॉफिट दिया, मतलब तो मार्केट जैसा था, हम लोग प्री ओपन भी हो ना, उसके हिसाब से ही मार्केट चला, और डाउन आया मार्केट, उसके बाद फिर से वहीं से सपोर्ट लिया। आजकल लो कितना था निफ्टी का टारगेट, कितना था? 460, वही 420 था, लेकिन 442 आया। कभी कभी सही रहते हुए भी मार्केट को एक्सपेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। हाँ, क्योंकि 325 के हिसाब से भी ना ट्रेंड मतलब अप था, लेकिन डाउन आया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, अभी क्या ट्रेंड चल रहा है मार्केट का?
HDFC ग्रीन, ये ICICI आज गेम चेंजर था, है ना। ये भी 1,000 रुपया कहाँ, कुछ 935। टेन थर्टी होने दीजिए, उसके बाद फिर हम लोग जो प्राइस सेक्शन वाला जो है ना, मैं कैसे प्राइस देखता हूँ, ठीक है, वो सिखाएंगे। 10:30 में सब हटा देते हैं ये सब, है ना, ताकि कन्फ्यूजन क्लियर, कन्फ्यूजन नहीं रहे कुछ कहाँ के। अड़तीस हजार 500 से से
हाँ 10:30 हो गई। अभी जैसे मान के चलिए सी का प्राइस आपका, पी का प्राइस 38,500 का 300 है, हाई लो सेम है। और 5 मिनट मतलब आपका 10:36 में देखना है कि क्या ये प्राइस हाई ब्रेक करता है कि लो ब्रेक करता है। और लो हाई हाई ब्रेक करता है तो फिर से जो 300 नीचे नहीं आना चाहिए तो समझ लीजिए बढ़ेगा, नहीं तो फिर ऐसे टाइम पास करेगा। साइडवेज है क्या है नहीं मार्केट आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग देखेंगे 10:36 में, है ना। और यदि इसके नीचे लो ब्रेक किया और यदि आपका हाई था 300 के ऊपर था, यदि वो ब्रेक नहीं किया तो और नीचे आएगा। उसी तरह से बैंक, उसी तरफ से आपका सी है, आपका मान के चलिए 700 आपका 18 था, तो वही वही हाई वही लो मान लेते हैं। और यदि 10:36 के बाद, है ना, यदि वो नया हाई बनाता है और फिर से लो आपका 718 के नीचे नहीं आता है तो समझ लीजिए वो फिर आपका ये बढ़ेगा। तो हम लोग डायरेक्ट अब देखेंगे 10:36 में जो प्राइस एक्शन, मतलब आप केवल प्राइस को देख करके आप ये चेक कर सकते हैं कि मतलब नेक्स्ट मूव क्या होगा। तो फिर से मैं समरी कर दे रहा हूँ कि आपका पी का हाई था 300 समथिंग था और सी का हाई था आपका 718 था, है ना। तो 10:36 में देखते हैं कि क्या रहता है। यदि इसी बीच में रहेगा तो मार्केट टाइम पास करेगा, वैसे 5 मिनट हुआ भी नहीं लेकिन लो ब्रेक कर चुका है ना, और नया हाई नहीं बनाया है, नया हाई नहीं बनाया, डेट मीन्स मतलब मार्केट नीचे आएगा, मतलब मार्केट सॉरी मार्केट नीचे नहीं आएगा, प्रीमियम पी का जो हम लोग सेल किए हैं वो नीचे आएगा, आगे नीचे। और ये भी देखिए जो आपका 718 था और 5 मिनट हुआ भी नहीं, ठीक है, और नया मतलब हाई बनाया। तो प्राइस सेक्शन कैसे काम कर रहे समझ में आ रहा होगा आप लोगों की, हाउ इट्स इजी। पूरा 5 मिनट हुआ भी नहीं है, फिर से दोबारा देख लो। अब इसके हिसाब से ट्रेड कैसे लेना वो भी हम लोग अभी सीख लेंगे। तो हाई था पी का याद रखना है 300 और सी का हाई था आपका आपका 718 था। थ्री हंड्रेड फाइव नहीं जाना चाहिए, प्लस नहीं जाना चाहिए, है ना। और ये नीचे आ गया 7, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, ठीक है, और इसलिए वो फिर भी ये भी 2 मिनट टाइम में देखते हैं क्या होता है। टेन थर्टी सिक्स में देखेंगे हम लोग। ये सबका सी तो फेल हो गया तो फिर ट्रेड उसको मतलब बाय ही नहीं करना, या इसको भी दोबारा सेल नहीं करना है। 10:36 में देखेंगे कि टेन थर्टी सिक्स होने वाला है, पी आपका नया हाई नहीं बनाया और सी भी मतलब उसी के आसपास में है। यदि ये नया लो बना देता 5 मिनट के अंदर में तो और नीचे जाता, लेकिन नया ना ही नया लो बनाया ना ही नया हाई बनाया, डेट मीन मार्केट अभी यहीं टाइम पास करेगा।
36 हो गया। फिर से आप 3:12 हिसाब से आप देखना पड़ेगा, आपका 5 मिनट मतलब 10:41 में देखना पड़ेगा। यदि उसके ऊपर रहेगा मार्केट तो फिर से पी पड़ेगा। और फिर 312 के नीचे रहेगा तो फिर समझ लो फिर से नीचे आएगा। ये केवल मैं प्रीमियम का बात कर रहा हूँ, मार्केट का बात नहीं कर रहा हूँ। आपका सी का हाई था आपका 718, वो हाई ब्रेक किया है ने। ये फुली साइडवेज मार्केट है, ठीक है, तो इसमें बस आपको सेफ ट्रेड करना है, कम लोड से करना है। रीजन बिहाइंड जो साइडवेज मार्केट है, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 50-50 के हिसाब से चल रहा होगा मार्केट, ऑलमोस्ट 50-50 है, चाहे निफ्टी में हो या आपका बैंक निफ्टी, 50-50 मार्केट चल रहा है इसलिए। लेकिन जो मेन जो वेटेज स्टॉक है आपका रिलायंस और HDFC ग्रीन हो गया है, और ICICI ग्रीन तो था ही, है ना, तो वहाँ पे हम लोग क्वांटिटी ऐड करते हैं इसमें। टेन फोर्टी वन होने वाला है, न्यू हाई नहीं बनाया, 300 पता नहीं 18 या कितना था आपका, ये 38,500 पी का, और ये भी न्यू हाई नहीं बनाया। थिंक ग्रीन में आ जाना चाहिए, पता नहीं वहीं घूम रहा है मार्केट।
वहीं पे मार्केट घूम रहा हूँ। 10:41 हो गया, 10 मिनट दो बार चेक कर लिया, वहीं मार्केट घूम रहा है, टाइम पास कर रहा है ना, नया हाई बना रहा, नया लो बना रहा। आई थिंक सबसे ज़्यादा लर्निंग आज मतलब मिल रहा है या मिलेगा अभी, है ना, सबसे ज़्यादा जो लर्निंग वाला जो वीडियो है आज का होगा। बाकी दिन तो इजीली प्रॉफिट दे रहा था। देखो न्यू हाई नहीं बनाया तो उसके हिसाब से मैं तो थोड़ा, मुझे प्रैक्टिस हो गया, प्राइस को देख करके समझ आ जाता है कि क्या करने वाला है मार्केट, है ना। तो एज पर स्कैल्पिंग हम लोग को इसमें प्रॉफिट दे दिया होगा। हाँ तो यहाँ पे हम लोग पहले एक बार प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। प्रॉफिट क्या मतलब, जो लॉस दिया था वही, उसके बाद फिर से जब ऊपर जाएगा तो फिर से हम लोग वहाँ पे क्वांटिटी ऐड करेंगे। एक चीज़ और मैं साइकोलॉजी बता रहा हूँ कि ये 3 पॉइंट 4 पॉइंट के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो पता चलेगा जहाँ आपका लॉस होने वाला था आपका 2,000, वहाँ पे आपका 2 लाख लॉस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को 20 पॉइंट मिला तो 20 पॉइंट बुक करते हैं, उसके बाद फिर से हम लोग एंट्री लेंगे। क्लियर। फिर से जाएगा, फिर से हम लोग सेल करेंगे। सेम सेलिंग में भी हम लोग यूज़ किए, पहले हम लोग क्वांटिटी कम एड किए, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया, 20-30 पॉइंट ऊपर गया, उसके बाद क्वांटिटी किए और जैसे ही मिला 20-30 पॉइंट हम लोग प्रॉफिट बुक कर दिए। सिंपल। फिर से सेम करेंगे, बाकी ये तो 17,400 रुपये अटक गया, की जगह अटक हो गया। यदि 325 के हिसाब से मतलब मार्केट इस वीक चलेगा, 90% चांसेस उसी हिसाब से रहेगा, तो ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग आज ही एग्जिट कर देंगे। और कुछ क्वेश्चन है क्या? नहीं ऑफ मत लो यार, ऑफ मत नहीं लो, ठीक है, लर्निंग तो मिल रहा हो ना। नहीं भाई, चार्ट देखने जरूरत नहीं है, कोई सवाल हो यही पूछ लो, ठीक है, क्योंकि मैसेज इतना स्पीड आता है ना। तो सस्सी बोल रहे हैं तो सर 325 होल्ड करना है, यस तो कितना बार बोला है, या अभी ऐड मत करो, एटलीस्ट आज का जो डे है ना, ठीक है, आज का जो डे है आपका, जैसा मैंने मॉर्निंग में बोला 17,600 जाने दो, उसके बाद ऐड करना। देखो हम लोग पी भी वहाँ तो सेल कर सकते थे ना 400 के आसपास, ज़्यादा पॉइंट भी था, लेकिन क्यों नहीं किए एज ए, क्योंकि रूल्स के हिसाब से भाई, चलो एंट्री लिए हम लोग, सही एंट्री लिए हैं और ट्रेंड सडन चेंज हो गया, ठीक है, सडन चेंज हो गया तो कोई उसके हिसाब से तो प्रॉफिट दिया, स्कैल्पिंग रूल्स के हिसाब से प्रॉफिट दिया, लेकिन हम लोग एंट्री मतलब लेट हो गया। मार्केट अभी चांसेस है आपका, इंडिया बिग्स पेपर देख लेते हैं, अभी तो साइडवेज है। इंडिया बिग्स में डरा रहा है, तो ऑफ नहीं है, ठीक है, यही मार्केट है, मार्केट इतना आसानी से पैसा नहीं देता है। ठीक है, क्वांटिटी ऐड करेंगे जब आपका 17,600 ऊपर जाएगा मार्केट, तब करेंगे, नहीं तो नहीं ऐड करेंगे। और इसलिए मैं वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेजा था इस वीक कि इस वीक कम क्वांटिटी में मतलब आप ऐड कीजिएगा, क्वांटिटी ऐड कीजिएगा। ठीक है, ये प्राइस सेक्शन भी कैसे काम कर रहा है ये भी आप देख ही रहे हैं, है ना, मूड ऑफ कर दिया मार्केट। नया लो 280 नीचे बनाएगा तो नया लो बना देगा, ठीक है, बन गया, ऑलमोस्ट लो बन गया।
नहीं, नया लो भी नहीं बना रहा, वहीं घूम रहा है मार्केट। 10:46 हो रहा है, तो 41 था तो आपका 10:50 में क्लियर होगा नया लो बनाया कि नहीं बनाया। और किसी को सवाल है तो पूछो, बाकी आई थिंक कोई सवाल तो नहीं होगा। ₹17,400 और ₹16,900 ये क्या अपडेट करें? 17,400 सेल है भाई, वो भी सेम लॉजिक के साथ, उसको होल्ड करो अभी। अब वो बाय किए हैं ₹16,900 हेज करने के लिए, रेबेल क्या नाम है, फिर से नया लो भी नहीं बनाया आपका, 280 से वापस ले जा रहा है और ना ही नया हाई बना रहा है। ठीक है, तो ये साइडवेज का साइन हो गया ना, मतलब टाइम पास कर रहा है मार्केट। स्कैल्पिंग का मतलब ये नहीं कि अब जबरदस्ती हम लोग दो दो पॉइंट के लिए मतलब प्रॉफिट करें ₹20 और उसके बाद ब्रोकर दे दे ₹15,000, है ना, तो वैसा नहीं करना है। हाँ, क्वांटिटी के बारे में बात कर लेते हैं कि ये क्वांटिटी कितना लेना है। नरेंद्र, तो 4 डेज का आप किया है ना, तो रिमेनिंग 4 डेज जैसे आपका सेकंड डे लिए होंगे या आज या फिर 2 दिन क्लास होगा तो वो मिलेगा। तो इंट्रोडक्शन के लिए फिर फर्स्ट डे का अलग से बाय करना, क्योंकि टोटल चार्जेस क्या आप था आपका 9,000, तो आपने पे किया 6,600, तो फिर से वो बाय करना पड़ेगा। वॉइस बिल्कुल नहीं आ रहा है, स्लीपिंग वाला तो आपको बताया गया है कि आपको केवल ये मंडे और ट्यूसडे करना है, वेडनेसडे को तो करना नहीं। वेडनेसडे आज ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कल एक्सपायरी है। ठीक है, कल प्रीमियम डे क्या होगा, मतलब कल अच्छा मोमेंट होगा यदि आज ही भी मार्केट ऐसा रहा तो। मैंने बाय किया है आपका ये हेजिंग का पर्पस से। ठीक है, हेजिंग का पर्पस से मैंने बाय किया है, ठीक है, ताकि मार्जिन आपका कम लगे। अच्छा, मैं क्वांटिटी के बारे में बात कर ले रहा हूँ। ठीक है, चलो इसको क्वांटिटी मैं लिख के बता दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहेगा हमेशा। फिर से वही मार्केट घूम रहा, ना ही हाई बना रहा है ना ही लो बना रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा मार्केट। टाइम पास के लिए फिर से 200 क्वांटिटीज को हम लोग सेल कर दे रहे हैं। वो 2-3 रुपये ऑलरेडी बाय करके रखे हैं ताकि बार बार मतलब ये दिक्कत नहीं हो, है ना, बार बार हम लोग को वहाँ ऐड करने की जरूरत नहीं है। फाइव मिनट का ब्रेक लो, उसके बाद आज का लर्निंग का रिटेन रिटेन में आप लोग को लिख के बता देते हैं और न्यू लर्निंग लेते हैं कुछ, है ना, उसके बाद सीखेंगे। आपको बिलीव नहीं होगा कि मैं जो अपना छोड़ो अभी क्या बोला,
मैं क्वांटिटी का लिख दे रहा हूँ, ठीक है? एक ही सवाल मत पूछिए, क्वांटिटी के बारे में बता दूंगा कितना क्वांटिटी लेना है। ऑप्शन सेलिंग में और बाइंग में दोनों बता दूंगा। क्वांटिटी का मैंने ऑलरेडी बता चुका है, लेकिन फिर भी मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, ठीक है? नींद लग रहा है फिर भी नहीं, लेकिन हम लोग सीखेंगे, डोंट वरी। यही मार्केट तो मेन आपको सिखाएगा कि कहाँ पे आपको नहीं लेना है, कहाँ पे आपको चलना है, कहाँ पे आपको दौड़ना है, कहाँ पे आपको उड़ना है, वो सारा चीज़ आपको सीखना है, ठीक है? मार्केट एक जैसा थोड़ी रहेगा कि मतलब मैंने जो बता दिया फॉर्मूला बस बिठा दो, 2 + 2 = 4 हो जाएगा, ठीक है? 2 + 2 आपका यहाँ 8 भी होता है। अभी जैसे मान के चलो मार्केट इतना डाउन हुआ, लेकिन फिर भी ये मैंने सीखना है कि मैंने कैसे बताया कि ऑलमोस्ट 1000 जाएगा, ठीक है? या ये मैंने कैसे बताया कि इसको बस ध्यान रखना कहाँ गया वो 37 जर्सी, ठीक है? वो सीखना है कि कहाँ आपका 1100 गया, ठीक है? वो मेन सीखना है ना? ये सब तो अभी टाइम पास लर्निंग हो रहा है, अभी मेन आपका ही सीखेंगे। थोड़ा आप लोग पेशेंस रखिए। लाइट मार रहा फेस में, इसको बंद करते हैं।
अटक गया मार्केट एक ही जगह। तो मैं समरी कर दे रहा हूँ कि एक बार जितने भी लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं या कंटिन्यू फोर्थ डे, वैसे फोर्थ डे है लेकिन हम लोग थर्ड डे काउंट कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट डे केवल इंट्रोडक्शन था। तो समरी कर दे रहे हैं कि हम लोग फर्स्ट जो सीई बाई किए थे, ठीक है, ये आपका ये बाई किए थे हम लोग हेज पर्पज़ के लिए, क्योंकि वी वाई नॉट श्योर कि सीईटी करोगा कि पीईटी करोगा, ठीक है, और ये हम लोग हेज के लिए बाई किए थे। बाकी हम लोग फर्स्ट क्या ट्रेड लिए थे, हम लोग ट्रेंड आपका पॉजिटिव था, हम लोग देखे थे, ये आपका जो ट्रेंड फाइंड करने का जो मैंने फार्मूला बताया है आपको, उसके हिसाब से ट्रेंड आपका पॉजिटिव था, तो हम लोग वहाँ पे क्या किए, पी को सेल किए, पी को सेल किए, थोड़ा ऊपर भी गया और उसके हिसाब से हम लोग क्वान्टिटी बिल्ड किए, लेकिन सडनली ट्रेंड आपका चेंज हो गया तो हम लोग उसको एग्जिट भी कर दिए, ठीक है, आपका लगभग 10 से 12 मिनट के अंदर में हम लोग पोजीशन को एग्जिट भी कर दिए थे, ठीक है। उसी तरह से सी बाय करो या पी सेल करो, ठीक है, ट्रेंड पॉजिटिव था तो ये भी हम लोग लिए थे, ये भी आपका ट्रेंड चेंज हुआ, डाउन मार्केट आने लगा तो हम लोग इसको चेंज कर दिए, ठीक है। दोबारा से हम लोग को पी एन टी लेना था, लेकिन मेन जो आपका था आपका आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक अभी भी पॉजिटिव है, तो हम लोग पी नहीं लिए। आप ध्यान दिए होंगे ये कहाँ गया था, आपका 438 तक गया था, ठीक है, 438 तक गया था, यहाँ से घूम करके फिर से दोबारा यहाँ पे आया, तो उस वहाँ पे यदि पी बाय करते तो वहाँ पे लग जाता हम लोग का, इसलिए वहाँ पे हम लोग ये लिए नहीं, ठीक है, वहाँ पे हम लोग क्वांटिटी मतलब नहीं लिए। जो मैं बोल रहा था कि आई एम नॉट कॉन्फिडेंट कि मतलब कि ये आपका बढ़ेगा, मे बी केवल जो डी आई थोड़ा सा आपका डाउन, वो तो अलग ही बात हो गया वो, ठीक है। तो सिंपल सा है कि मतलब ये ट्रेंड आपका मेन जो 3 पॉइंट है ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है, बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये हमारा फुल्ली स्ट्रॉन्ग था आपका आईसीआईसीआई बैंक, इसलिए हम लोग यहाँ पे पी फिर से दोबारा एंट्री नहीं लिए हैं, है ना। वैसे एज पर रूल्स एक बार डाउन आ गया था, ट्रेड दिया लेकिन बहुत स्पीड से मूव हुआ, ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग फंस सकते थे, इसलिए मैंने बोला कि नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और रही बात अभी फिर से दोबारा हम जो लिए थे कि आपका अभी आप देखिएगा ट्रेंड आपका तो 50-50 चल रहा है, मतलब चांसेस है आपका 50% प्रॉफिट होगा, 50% लॉस होगा, ठीक है। और यही मार्केट है, माइंड में आप घुसा लो कि हमेशा प्रॉफिट नहीं होता है, लॉस प्रॉफिट का नाम ही मार्केट है, ठीक है, लेकिन हमेशा आप यदि सेम स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिएगा तो ये श्योर है कि आप प्रॉफिट में रहिए। अभी भी देखिए चांसेस क्या, ऑलमोस्ट 50-50 है, एडवांस आपका 28 है डिक्लाइन, लेकिन थोड़ा सा बुलिशनेस मान सकते हैं, इसलिए हम लोग पी ए भी बाई किए हैं, पी सॉरी सेल किए हैं। और बैंक निफ्टी में देखिएगा तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 50-50 चल रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा बेरिस बता रहा है। तो यही है कि ऐसा मार्केट में आपको अलर्ट रहना है, ऐसा मार्केट में आपको कम लोड से ट्रेडिंग करना है, ठीक है, या तो करना ही नहीं है, यदि आप सेफ प्लेयर हैं तो आपको करना ही नहीं है, डैट सिंपल। बाकी नया जो लर्निंग पॉइंट है, ठीक है, यदि आप लोगों को टाइम है तो अभी हम लोग सीखेंगे, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में से, लेकिन अभी अभी ट्रेडिंग हम लोग करेंगे। और कोई डाउट है तो बताओ। हाँ, रही बात क्वांटिटी कितना लेना है वो मैं बता दूंगा। यदि आपके पास कैपिटल 50,000 है तो एक चीज़ और सबसे बेस्ट लर्निंग, क्वांटिटी आई मान के चलो क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे लेते हैं, एक साथ में ले लेते हैं 500 क्वांटिटी, है ना, 500 क्वांटिटी ले लेते हैं, तो लॉस कितना बहुत ज़्यादा हो जाता है, लगभग 30 पॉइंट हो जाता है, 12 लगभग 60,000 पर लॉस हो जाता है। लेकिन पहले कम लोड ऐड करना है, उसके बाद क्वांटिटी ऐड करना है। अब सवाल ये उठता है जिनके पास फंड ही कम ही है, तो फिर आप ना ये श्योर है कि आप मन में जान लो कि हाँ आपने बाइक किया, आप जब 20 से 30 मिनट आएगा तो वहाँ पे आपको क्वांटिटी ऐड करना है, ठीक है, ये दिमाग में मतलब आप घुसा लीजिए, ठीक है, ये हमेशा आपको फॉलो करना है, इसके बिना स्कैल्पिंग नहीं होगा, क्योंकि ये प्राइस का बिहेवियर है। आप एक साथ में यदि मार्केट ऑर्डर में प्राइस लगा दें, केवल आप नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पर कितने सारे लोग हैं कि आपको कोई ऑर्डर लगा रहा होगा, ठीक, कितने सारे लोग एक एक सेकंड में यहाँ पर ऑर्डर लगा रहा है, ठीक है, कोई बाई कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, ठीक है, तो ये इट्स डिपेंड ऑनली प्रॉबिलिटी, लेकिन जीतेगा वही जो ट्रेंड को फॉलो करेगा। तो हम लोग ट्रेंड को फॉलो किए, आज हम लोग चाहते तो होल्ड कर देते, लेकिन एज पर रूल्स आपको एग्जिट करना, जब ट्रेंड आपका चेंज हुआ तो वहाँ हम लोग एग्जिट भी कर दिए, ठीक है। मैं बस यहाँ पे हम लोग बस सीख रहे हैं,
ठीक है, तो हम लोग ट्रेंड भी चेंज किए, तो चलो कम लॉस हुआ, चलो वो नेक्स्ट ट्रेड में हम लोग का कवर हो गया ऑलमोस्ट, है ना। तो ऐसा नहीं कि आप लिए हैं, ठीक है, आप ये कसम खा लिए, नहीं भाई मतलब ट्रेंड चेंज हो गया फिर भी हम क्यों एग्जिट करेंगे, नहीं, वहाँ पे आपको लॉस बुक करना। इसलिए आप यहाँ पे रूल्स है कि पहले आपको कम लॉट से आपको क्वांटिटी बाई करना है, ठीक है, जिनका कैपिटल कम है, ठीक है, वो मन में बाई कर लो, हाँ चलो बाई कर लिए आपका 788 में, जब नीचे आएगा तो वहाँ पर हम लोग क्वांटिटी एड करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी ये एड करना कि उससे पहले आपका ट्रेंड चेंज, तो यही ना आपका लॉस बचाना, ठीक है। और क्वांटिटी वही है कि आपके 50,000 है तो एक लॉट से प्रैक्टिस करो, आपके पास 1 लाख कैपिटल है तो 2 लॉट से, ठीक है, उसी तरह से आपका ये 4 लाख है तो आपका 4 लॉट से प्रैक्टिस करो, ठीक है। और ये श्योर है कि 90 डेज के बाद आपको एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं मुझे ये ट्रेंड हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है, कि मार्केट आप कहाँ से घूमेगा, ये घूमेगा, बाकी काफ़ी सारा लर्निंग अभी बाकी है, ठीक है, तो आप लोग बस ऐसे टाइम देते रहिए, हम लोग सीखते रहेंगे। इतना सारा क्वेश्चन आ गया, देखो एक बार यदि प्रॉफिट हो गया तो फिर से री एंट्री आपको 130 के बाद देना है, इस बीच में तो आपका 1130 टू आपका ये 1230 के बीच में आपको ट्रेड लेना ही नहीं है, ठीक है। ट्रेंड फाइंड करने के लिए भाई दोबारा मैं बताऊं क्या आपको, इतना 3 4 बार में दिखा रहा हूँ, तो बाकी फर्स्ट सेशन जिन अटेंड नहीं किए वीडियो आप देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ऐसा मार्केट यदि रहेगा, साइडवेज मार्केट रहेगा, साइडवेज मार्केट कैसे पता चलेगा, यहाँ से आपका ऑलमोस्ट 50-50 है, चाहे आपका निफ्टी का हो या बैंक निफ्टी का हो, ठीक है, तो ऐसा मार्केट में कम क्वांटिटी से ट्रेड लेना है, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में ऑलमोस्ट बुलिश बता रहा था, ठीक है, तो उसके हिसाब से। बाकी एक चीज़ आप लोग नोटिस किया होंगे, मैंने बोला था कि ओपन हाई सेम है तो डाउन दिखेंगे, लेकिन हम लोग उसको फॉलो नहीं किए क्योंकि वो अलग स्टेज ही है, ठीक है, अलग स्टेज ही, उसको फॉलो करते तो उसके हिसाब से हम लोग ये सी बाय नहीं करते या पी सेल नहीं करते, लेकिन ये भी काम किया, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग मेनली स्कैल्पिंग को फोकस कर रहे हैं, ठीक है, ओनली स्कैल्पिंग। तो बाकी अभी 11 बजे है, 30 मिनट और सेशन होगा, देखते हैं क्या होता है। फिर से मार्केट वहीं आप देखे होंगे, 30 मिनट से क्या, जहां मार्केट लगभग 2 घंटे से वहीं एक ही जगह पड़ा हुआ, 1.5 घंटा से एक ही जगह मार्केट पड़ा हुआ है। फिर से वही सेम रिपीट हो रहा है, यहाँ पे हमने कम क्वांटिटी में ऐड किया, फिर से थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो क्वांटिटी ऐड करेंगे, है ना, लेकिन ऊपर ही ऊपर जाते रहेगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्वांटिटी ऐड, ऊपर से जब नीचे आएगा तब क्वांटिटी ऐड करेंगे, अंडरस्टैंड, या जब बाई करते हैं तो, ठीक है, तो ये आपका हाई बना करके फिर से हाई बनाएगा तब हम लोग वहाँ बाई करना है, ऐसे नहीं करना, ठीक है, जैसे ऊपर से नीचे आ रहा है, चलो ये जैसे फॉर सेटिस्फेक्शन हम लोग वहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर दे रहे हैं, लेकिन ये रिस्की मार्केट अभी है, ठीक है, तो जिनका फंड काम है वो पहले सीख लीजिए ये क्वांटिटी क्यों नहीं आया, चलो अच्छा हुआ क्वांटिटी नहीं आया। आज के दिन में हेजिंग करने की जरूरत नहीं है, 325 का पहले मैंने ऑलरेडी बोला था कि भाई कम क्वांटिटी से लो, ठीक है, दोनों अभी होल्ड करना है, ठीक है, क्योंकि अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है, ना ही 17,600 नीचे ऊपर जा रहा है, ना ही आपका 17,420 के नीचे मार्केट आ रहा है, ठीक है, तो होल्ड करना है, प्लीज़ रूल्स को फॉलो कीजिए, ठीक है, ऐसा कुछ 100% नहीं होता है। तो यहाँ पे जैसे स्कैल्पिंग के हिसाब से तुरंत आपको 30 में किए थे, लगभग 15 पॉइंट मिल गया, ठीक है, तो आपको यहाँ पे आपको तो ऐसे भी आप स्कैल्पिंग कर जाए, आपके फंड ज़्यादा है तो आप सेल करो, सेलिंग में आराम से, लेकिन रूल्स वही है, चाहे सेलिंग करो या बाइंग करो, देखो आज हम लोग सब रूल्स किए फॉलो किए, लॉस भी हुआ प्रॉफिट भी हुआ, ठीक है, तो उसको हम लोग एक्सेप्ट किए, ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब अड़े रह गए, अड़े रहिएगा तो वैसा मैं भी पहले करता था, जैसे आप लोग का जो अभी मेंटेलिटी है, ठीक है, वैसा मैं पहले करता था, लेकिन वैसा नहीं चलता, वैसे
आप यू कांट सर्वाइव इन मार्केट, है ना। फिर से वो स्टेज ही काम किया, पहले हम लोग सेल में काम किए, फिर से जब बढ़ा तो वहाँ पे ऐड किए क्वांटिटी और फिर से हम लोग को पॉइंट मिला, ठीक है। तो स्टेज ही चाहे सेलिंग का हो या बाइंग का हो हमेशा काम करेगा, ठीक है। तो फिर से इसको हम लोग बुक कर ले रहे हैं, जब फिर से ऊपर जाएगा तो फिर से मतलब हम लोग क्वांटिटी ट्रेड कर देंगे, डैट सिंपल। यहाँ पे वहाँ ऐसा नहीं कि आप बाइंग करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि बाय करते तो प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन जैसा साइडवेज मार्केट इसलिए बाय नहीं कर रहे हैं। देखिए 660 आया था, ठीक है, वहाँ पे वो जहाँ पे हम लोग वहाँ पे ये पी सेल किए थे वहाँ पे हम लोग यदि सी बाय करते वहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल जाता, ठीक है। लेकिन साइडवेज मार्केट है तो क्यों रिस्क लेना बिना मतलब का, ऐसा थोड़ा ट्रेडिंग आज ही ये ख़त्म हो गया, जो सीख रहे हैं वो हमेशा काम करेगा। एक चीज़ और मैं साइकोलॉजी ऐड करने के जो थे, स्टार्टिंग में क्या होता है ना, आप लोग के साथ भी होता होगा कि चलो मान के चलो स्टार्टिंग में लॉस हो गया, 16,000 रुपये लॉस हुआ, ठीक है। अब वो कवर होते होते आपका मान के चलिए 3,000-4,000 बचा, ठीक है। तो उसको ग्रीन करने के चक्कर में कभी कभी क्या हो जाता है, जहाँ पर आपका लॉस हुआ आपका 16,000 रुपया, तो आपका 3 महीने तक आपका लगभग 1,50,000 रुपये लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो उस पर भी आपको काम नहीं, बस स्टेज ही यदि सेटअप के हिसाब से यदि आपका ट्रेड बन रहा है तो करो, ठीक है। जबरदस्ती मतलब 10 से 20 आप ट्रेड ले लिए तो वहाँ पे आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है, वहाँ पे बड़ा लॉस हो जाएगा। मतलब आप कहाँ 3,000 रुपया कवर करना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ पे आपका जो लॉस होगा आपका मिनिमम आपका 1,500-2 लाख रुपया होगा, बहुत लोगों के साथ हुआ होगा, ठीक है। तो वैसे नहीं करना है, ऐसे मार्केट में नहीं करना, स्पेशली ऐसा मार्केट में वोलेटाइल भी है, साइडवेज भी है। चाहे आपका इंडेक्स हो या ऑप्शन के प्रीमियम हो, एक ही रेंज में घूम रहा है, ठीक है। ना ही हाइयर हाई ब्रेक करा, ना ही लोअर लो हाई ब्रेक करता है तो वहाँ से रिजेक्शन मार लेता है, लो ब्रेक करता है वहाँ से रिकवर हो रहा है। तो दिस इज द साइन ऑफ ये साइडवेज मार्केट। तो ऐसे में आपको कम लोड से करना, जहाँ पर आप 10 लोड से करते हैं वहाँ पर 1 लोड से करो, ठीक है। क्वांटिटी मैंने बता दिया कितना लेना है, ठीक है। लेकिन जिनका फंड कम है वो मन में एक बार जैसे ही जो प्राइस देखते हैं वो मन में ट्रेड कर लो, ठीक है। और जब 20-30 पॉइंट यदि बाय कर रहे हैं तो नीचे आए तो वेट करना है, और सेल कर रहे हो तो, लेकिन ट्रेंड के हिसाब से, ठीक है। और सडन यदि ट्रेंड चेंज हो, जैसे आज के जैसा यदि सडन ट्रेंड आपका चेंज हो जाए, ठीक है, तो वहाँ पर आपको एग्जिट भी करना है, जितना फास्ट आप एग्जिट कर सकते हैं। एटलीस्ट 5 मिनट देख लेना, ऐसा नहीं कि मतलब उतना ही फास्ट नहीं। पी ना ही 280 नीचे जा रहा है और ना ही आपका
350 के ऊपर जा रहा है, और सी ही ना ही आपका 650 के नीचे या 750 के ऊपर जा रहा है, तो फुली साइडवेज है। फिर से मार्केट थोड़ा सा पी में दोबारा सेल करेंगे। बाकी 2 दिन जो बचा हुआ, वैसे तो 1 दिन बचा हुआ, लेकिन 2 दिन जो बचा हुआ सेशन, उसको आप लोग प्लीज़ मिस मत कीजिएगा, ठीक है। उसमें मेन है, वो करने के बाद फिर आपको ये इतना झंझट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर से हम लोग स्कैल्पिंग में कम क्वांटिटी से 300 क्वांटिटी कर रहे हैं, ठीक है। और फिर से जब ऊपर जाएगा बैच है, तो वहाँ पे क्वांटिटी ऐड करेंगे। जब बाय करते हैं देखो, पे ही होता है, इसलिए हमेशा पहले कम कहाँ बाय करना चाहते, 319 में, लेकिन बाय हुआ, सेल हुआ 313 हुआ, है ना। तो हमेशा इसलिए कम क्वांटिटी से आप लीजिएगा, ताकि ऐसे कभी कभी आपका क्या बोलते हैं उसको, फ्री ट्रेड भी हो जाता है उसी के चक्कर में, तो वैसा नौबत नहीं पड़ेगा। मार्केट मेन कल का तैयारी कर रहा है एक्सपायरी का, इसलिए प्रीमियम मतलब इतना साइडवेज मार्केट हो गया है। ट्रेंड यदि चेंज हो रहा है तो यहाँ पे फिर से दोबारा हम देख लेते हैं जो देखने का है। सेम है, कुछ चेंज नहीं हुआ अभी भी, यहाँ भी सेम है, फुल साइडवेज मार्केट का साइन है।
बस ये रेट नहीं होना चाहिए आपका, HDFC, ICICI और रिलायंस आपका फ्लैट चल रहा है अभी। बहुत तड़पा रहा है मार्केट आज। कल फेस्टिवल है रक्षाबंधन है ना, ठीक है हम लोग डायरेक्ट मंडे के, नो प्रॉब्लम। आराम से सीखेंगे, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि इसी भी ख़त्म ही करना, मेरा ऐसा कुछ नहीं। चलो वो लास्ट में बता दूंगा कल सेशन रहेगा कि नहीं रहेगा, वैसे भी रात को मैसेज चल जाता होगा आप लोगों के पास। साइडवेज मार्केट में पूछ रहे हैं सब ट्रेड कैसे करना, नहीं करना है भाई, ठीक है कम क्वांटिटी से करना है बस, बता तो दिए।
ये पोल कर दो, कल सेशन रखें कि नहीं रखें। ये वोट कैसे किया जाता है? और आप वोट कर सकते हैं। किसी के अटैच नहीं हो रहा है तो आप ईमेल कर दीजिएगा। नहीं, अभी 17,400 पे ही को एवरेज नहीं करना है। पोल यहाँ पे है, लेकिन ये क्लिक क्यों नहीं हो रहा? कल छुट्टी नहीं है, कल मार्केट ओपन है। टुमोरो मार्केट इज ओपन नॉट क्लोज। अच्छा, लास्ट में हम पूछ लेंगे, ठीक है? आप लोग बता दीजिएगा। आज का पहले ख़त्म कर लो। नहीं, अभी असल की ज़रूरत नहीं है, और मंडे भी क्लोज है। मुंबई में इस मंथ होगा और हैदराबाद में होगा। एक घंटा से मार्केट 5 पॉइंट मूवमेंट होगा है। क्या ही बोले, मूड ऑफ कर दिया। डे थ्री वालों के लिए कल का सेशन ओपन कर रखिए, कुछ नहीं हुआ मार्केट में मूवमेंट। लर्निंग तो मिल रहा है भाई, ठीक है? मूवमेंट नहीं होता, हम थोड़ी मार्केट को रोक कर रखें। बाकी अभी ख़त्म कहाँ हुआ सेशन? तो ऐसा जब भी मार्केट आता है तो समझ लो बड़ा मूवमेंट होने वाला है, चाहे सेकंड हाफ में हो जाए या कल हो, ठीक है? ये भी एक साइन है, लेकिन आपको पेशेंस रखना है। यहाँ पे 99% लोग अभी तक कितना क्या क्या ट्रेड ले लिया होगा, ठीक है? कभी सी कभी पी, पता चलेगा शाम तक ख़त्म सुहा। ऐसा नहीं कि मतलब मैंने भी मिस्टेक किया है, ठीक है? वैसा नहीं करना मिस्टेक आपको, ठीक है? डेट फाइनल हो जाएगा आपका 15 अगस्त के बाद। सेशन इतना सिंपल है यार, वीडियो रिकॉर्डिंग अभी आज अपलोड हो जाएगा ना इवनिंग को, तो देखना सब समझ में आ जाएगा, ठीक है? ऊपर से जा रहा है तो डाउट सेशन में क्लियर हो जाएगा, ठीक है?
ना, अगस्त में एक्सटेंड नहीं होगा भाई। फर्स्ट डे का सेशन ऑलरेडी लोड हो चुका है, आप देख लो, है ना। और यदि आपने केवल 4 डेज का लिया है तो केवल 4 डेज का होगा ना, क्योंकि टोटल 5 डेज का 9,000 है, तो इसलिए 1 डे का मिस करके तो माइनस करके 6,600 किया गया था मुकेश से। स्टेज ही देखो, आज के हिसाब से केवल 2 बार, 1 बार फेल हो, बाकी तो हमेशा प्रॉफिट दे ही रहा है, ठीक है। अब हम लोग आज ऑप्शन बाई नहीं करें क्योंकि आज मार्केट मतलब टाइम पास कर रहा है। ये भी था 340, लेकिन हम लोग बात कर रहे थे क्वांटिटेट ने किए, फिर से आया 305, 304, ये भी था 650, लेकिन स्टेज तो हमेशा काम करेगा, लेकिन ऐसे साइडवेज मार्केट में आपको कम लोड से करना है। स्केल्पिंग वाले को जो गिफ्ट है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, बाकी पेन ड्राइव का कंटेंट मिल जाएगा। देखो ये भी काम किया, ये भी किया था उधर, ठीक है। और नोटिफिकेशन नहीं आया है तो आप रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा भाई, टेंशन मत लो, है ना। ये डॉट वो लेवल पेन ड्राइव में ही मिल जाएगा, उसका टेंशन मत लो। देखो वॉच लिस्ट चेंज होता है हर मंथ, लेकिन जो मेन HDFC ICICI, यदि ये अपडेट होगा बाय चांस तो उसके हिसाब से बनाना है। ये एवरी मंथ जो मैंने फर्स्ट सेशन में आपको बताया था, मनोज चौहान, एनोनेम्स अटेंडेंस, सही बात है। ये ट्रेड नहीं लेना है, असली ट्रेड है, ठीक है। आप सोचो ना, आप यदि खुद से ट्रेड करते क्या करते आज। राजस्थान कैसे नहीं पसंद होगा भाई, वहाँ पे अपना फैमिली रहता है बहुत लोग, इसलिए राजस्थान के बहुत कम लोग ट्रेडर है इसलिए। इंडिया विक्स का एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं है तो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है।
आज मार्केट ही कॉम्प्लेक्स है यार, लगा ऐसा थोड़े कि मैंने कर दिया मार्केट, लेकिन ये जरूरी था। ठीक है रवि कुमार, आपका चेयर थोड़ी डिसेबल क्यों करेंगे भाई, कोई दुश्मनी है क्या किसी से आप उनको? ये जरूरी था, ऐसा भी ऐसे ही मार्केट में लोग ज़्यादा लॉस करता है। ठीक है अच्छा, मंडे मार्केट भी, मंडे मार्केट ऑफ है क्या? ये सब छुट्टी के चक्कर में ने 325 भी गड़बड़ किया, और ये प्रीमियम डी क्या हो रहा है, मतलब मूड खराब करते हैं। चेट किसी का डिसेबल नहीं है भाई, सबका यहाँ मैसेज चेट डिसेबल था तो आपका मैसेज कहाँ से आता है यहाँ पे? क्वेश्चन में जाके क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन में। या नेक्स्ट जो आपका 2 क्लास है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग मिलने वाला है आपको, और भी ऑप्शन बाइंग के लिए, जैसे आज मैंने बताया था ना, ये आपका इसको वॉच कीजिए, थोड़ा डाउन आ जाए, उसके बाद फिर अपना कहाँ 1400 चला गया, तो वो कैसे बताया था उसके हिसाब से आप, मैं सिखाऊंगा आपको। ठीक है डाउट तो पूछ रहे हो भाई, क्या नाम है भावेश? चैट ऑन करेंगे, देखिए 1 सेकंड में, मैं ऑन करके देखता हूँ, 1-1 सेकंड में मैसेज आएगा, तो मैं किसका आंसर देखूंगा, किसका आंसर दूंगा? मैं चलो चेट ऑन हो गया, तो सबसे पहले ये बताओ कल का सेशन हम लोग रखें कि नहीं रखें, क्योंकि कल का नहीं रखेंगे फिर मंडे को भी छुट्टी है, फिर डायरेक्ट ट्यूसडे को, कल का सेशन रखें कि नहीं रखें? कोई बोल रहा है नहीं, या कोई बोल रहा है यस, क्योंकि राखी हो रहा है, मुझे ही पता है कि सेकंड हाफ में कोई सेकंड हाफ में करता है, कोई फर्स्ट हाफ में करता है। ठीक है ये डायरेक्ट वीडियो करेगा, या 2 दिन जो सीखे हैं वो पहले प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। नो यस नो यस नो यस नो यस, क्योंकि आज देखो भले प्रॉफिट नहीं हुआ हम लोग को, ठीक है, लेकिन लर्निंग काफ़ी मिला होगा आपको कि ऐसे ही मार्केट में लोग दोनों तरफ से मरता है लोग, ठीक है, ऐसे ही मार्केट में लोग मरते हैं दोनों साइड से, या आप ऐसा कर सकते जो अभी तक मैंने सिखाया है, रिकॉर्डिंग तो अपलोड हो जाएगा, उसको देखो हॉलीडे में, ठीक है, और उसको प्रैक्टिस करो, और नहीं होगा तो हम लोग फ्राइडे को रख लेंगे, फ्राइडे को, लेकिन हम फ्राइडे पर टाइम पास करेगा मार्केट, नहीं तो फिर डायरेक्ट हम लोग ट्यूजडे को रखेंगे। देखो चैट कर ओपन करना सही होता है कि मतलब किसका किस काम कैसे होना है। अभी ये ऐसा वैसे मत को लंबा लंबा भैया, ठीक है तो सर फ्राइडे से, अरे यार ऐसे मैसेज मत करो, देखो फिर आप लोग बोलते चेट ऑफ कर दो क्या ही बोले अच्छा आज आप लोग को सीखे कि नहीं, क्या क्या सीखे आप लोग आज, मतलब सेशन आप लोग को बोरिंग लगा? बोरिंग तो मुझे भी लगा, लेकिन लर्निंग तो मिला होगा ना आपको, कुछ भी कुछ तो लर्निंग मिला होगा ना। तो आज सेकंड हाफ में नहीं कर पाएंगे, डायरेक्ट अब फिर होगा आपका, या तो कल होगा या तो डायरेक्ट आपका ट्यूजडे को होगा। ठीक है
लेट मी ऑफ द चैट, क्योंकि भाई परेशान हो जाएंगे मैसेज पढ़ पढ़ के। सर एवरेज ट्रेडिंग रेंज क्या है निफ्टी और बैंक निफ्टी का? ऑलरेडी मैंने बता चुका है, निफ्टी का आपका ये 150 से 200 पॉइंट, बैंक निफ्टी का आपका 350 से लेकर 400 पॉइंट के बीच में घूमते रहता मार्केट। ठीक है, यहीं पे क्वेश्चन पूछो, कुछ भी कुछ है क्वेश्चन तो यहीं पूछो, क्योंकि वहाँ पे इतना फास्ट मैसेज आता है ना। ठीक है, कि मैं क्या ही बोलूँ, Q&A में, Q&A का एक ऑप्शन होगा वहाँ पे, आस्क द क्वेश्चन। तो ऐसा करते हैं ना कि सेकंड हाफ का रख लेते हैं और फिर डायरेक्ट हम लोग नेक्स्ट ट्यूजडे को करेंगे। ठीक है, ये आई थिंक मेरे हिसाब से सही रहेगा, क्योंकि सेकंड हाफ में 325 का क्या करना नहीं करना, इसको हम लोग अभी सारा पोजीशन क्लोज कर दे रहे हैं। तो जहाँ तक मुझे समझ में आया कि इसको अभी क्लोज कर दे रहे हैं, ठीक है, और सारा पोजीशन क्लोज कर दे रहे हैं। बोले प्रॉफिट दे लॉस दे, उसको गोली मारो, चलते रहता है। तो अभी बस हम लोग एक ट्रेड लेके जा रहे हैं सेकंड हाफ के लिए, इसको 600 क्वांटिटी आप सेल कर दो, ये ओवरनाइट नॉट इंटरडे है ना। और यहाँ पे एक बाई कर लो आप, पी बाई किया ना, तो ये 16,900 मार्जिन ऐसे मिलेगा आपको। सेकंड हाफ में भले 30 मिनट के लिए होगा, लेकिन हम लोग ये करेंगे। ठीक है, तो एक पोजीशन हम लोग लेके जा रहे हैं, ठीक है, एक पोजीशन लेके जा रहे हैं, और मैं इसको कुछ टच नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये एलईडी होल्ड रहेगा, और हम लोग आज सेकंड हाफ में कर लेंगे 30 मिनट के लिए, और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट हम लोग करेंगे ट्यूजडे को। ठीक है, तो आज काफ़ी लर्निंग पॉइंट रहा। देखो, पैसा कमाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पैसा बचाना, ठीक है, ये आप जितने सीख जाएगा फिर ऑब्वियस सी बात है लॉस नहीं होगा। लॉस नहीं होगा तो क्या होगा, लॉस के बाद क्या होता है, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होगा ना। तो आज हम लोग ये सीखें ऐसा मार्केट में कैसे, पहले हम लोग कम लोड से करना है, ठीक है, उसके बाद जब ट्रेंड क्लियर हो जाए उसके बाद करना है। ठीक है, वो सारा चीज़ सीखे, बाकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, है ना। तो बस अभी हम लोग एक ट्रेड लेके जा रहे हैं, ये सेकंड हाफ में मिलते हैं हम लोग 1:30 को एग्जिट टाइम, या टाइम में आपको 30 मिनट पहले मैसेज चला जाएगा एप्लीकेशन में, ये एलईडी शॉर्ट रहेगा, इसको कुछ ना स्टॉप लॉस लगाना, टारगेट लगाना, इसको रहने दो। ठीक है, हम लोग देखेंगे, हम लोग फर्स्ट हाफ के बाद देखेंगे, एक वीक बाद देखेंगे, और आज हम लोग केवल करेंगे फर्स्ट हाफ, कल आप लोग हॉलीडे बनाइए और फिर हम लोग करेंगे ट्यूजडे को, आराम से सीखेंगे। ठीक है, डोंट वरी। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन अच्छा लगा होगा, काफ़ी लर्निंग पॉइंट रहा, लेकिन मुझे तो काफ़ी बोरिंग लगा क्योंकि मार्केट ऐसा टाइम पास किया, नो प्रॉब्लम है ना। तो मिलते हैं सेकंड टाइम, मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू। थ्री 25 एज डिज होल्ड करना है, आई थिंक आवाज़ झील थोड़ा और सामने में ले आता हूँ। ठीक है, जैसा है वैसा है उसको छोड़ देना है, और कल कल मैं बता दूंगा, या तो मैसेज के थ्रू बता दूंगा, ठीक है, या तो लाइव सेशन हम लोग कर लेंगे, लेकिन उसके लिए आप टेंशन फ्री रहिए, अंडरस्टैंड। आज ये सोचो कितना अच्छा हम लोग जो ट्रेंड फाइंड करने का जो है ना, उसके थ्रू कितना एक बड़ा लॉस तो नहीं हुआ ना यार। हाँ, एक सेशन पूरा फुल एक्सपायरी के दिन में हीरो जीरो सबसे सीखेंगे, थोड़ा आप पेशेंस रखिए, ठीक है, सब सबको सिखाऊंगा, डोंट वरी। ओके, देखो मुझे वैसा स्टूडेंट पसंद है जो सीखने पे ज़्यादा बिलीव करता है, टाइम पास करने वाला आदमी हमको नहीं चाहिए। तो समरी यही है, 325 एज इट इज होल्ड करना है, ठीक है, और कल उसका एडजस्टमेंट क्या करना है मैं बता दूंगा, कल बता दूंगा। नहीं होगा तो हम लोग केवल 30 मिनट के लिए सेशन कर लेंगे, बाकी नेक्स्ट सेशन हम लोग
अच्छा फ्राइडे कैसा रहेगा? फ्राइडे हम लोग कर सकते हैं। हाँ फ्राइडे लर्निंग ले लेंगे, नो प्रॉब्लम, है ना। अभी देखो हम लोग उस समय से यदि बैठे रहते हैं तो क्या होता, मार्केट तो कुछ हुआ नहीं, है ना। अरे यार ऐसा 100 दिन में एक दिन ऐसा आता है यार। ठीक है चलो ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये बिरयानी खर्चा आया, इसको पहले क्लोज कर दो। तो वैसे ये 0 होगा लेकिन इसको हम लोग क्लोज कर दे रहे हैं, इसको कोई लिया होगा तो क्लोज कर दो, क्योंकि हम लोग वी डोंट वांट टू। स्लीपिंग स्टेज ही ओनली मंडे एंड ट्यूजडे, ठीक है, बाकी दूसरा दिन नहीं चाहिए। चलो मैं चैट ऑफ कर रहा हूँ ताकि मैं क्लियरली मतलब बात कर पाऊँ, नहीं तो फिर पता चलेगा खाली क्वेश्चन आंसर में ख़त्म हो गया, टाइम पास हो गया। जहाँ मार्केट छोड़े थे वही मार्केट पड़ा हुआ है, ठीक है, कुछ हुआ नहीं। फिर से हम लोग एक बार ट्रेंड वगैरह देख लेते हैं उसके हिसाब से। आज बस हम लोग ये सेशन सोचे, चलो कुछ होता है लेकिन देख लेते हैं, हम लोग 30 मिनट देखते हैं। अभी भी जो फुल जो ट्रेंड आपको, रिलायंस आपका ग्रीन, HDFC ग्रीन, ICICI बैंक ग्रीन, है ना, मेन मेन जो पॉइंट है, बाकी सारा फ्लैट चल रहा है, ठीक है, बाकी फ्लैट चल रहा है। एक बार और ओवरऑल यहाँ पे ट्रेंड हम लोग देख लेंगे। अभी भी एडवांस ज़्यादा है, डिक्लाइन कम है, ठीक है, तो रिकवरी मारना चाहिए। और बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऑपोजिट चल रहा है, बैंक निफ्टी ऑपोजिट चल रहा है, लेकिन जो सबका जो बाप है आपका ये HDFC बैंक, वो नेगेटिव नहीं हुआ अभी तक, है ना, वो नेगेटिव होगा तभी हम लोग ये पी बाय करेंगे, डेट सिंपल। तो मॉर्निंग का ही ट्रेंड है सिंपल, ठीक है, आज हम लोग का लॉस हुआ है लगभग 2000 समथिंग, इसको भी क्यों, इसको भी क्लोज कर दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सब लोग आ गए, सब लोग आ रहे हैं आई थिंक, आने दीजिए, फिर स्टार्ट कर दो। तो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ ना कि ऐसा ऐसा मार्केट मैंने बहुत बार देखा है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा लॉस मैंने ऐसा ही मार्केट में किया है। एक जो होता है ना चूल मचा रहता है, जो मैंने स्टोरी बताया था अपना कि मतलब प्रेशर रहता है लोगों को पैसा देने का, ठीक है, तो मैं चाहता था कि हर मार्केट में मुझे प्रॉफिट हो। ऐसा मार्केट में मैं ज़्यादा ज़्यादा क्वांटिटी में बाई कर, जैसे सपोज करो फॉर एग्जाम्पल ये हम लोग लगभग 700 बाई किए थे, ये भी 600 हो गया। तो यदि मैं आज से 3 साल पुराना नासिर रहता है ना, तो इसको मैं होल्ड कर करके और एवरेज कर करके पूरा लुटा देते हैं, और एग्जिट करते उसके बाद भागता, ठीक है, एग्जिट करते उसके बाद भागता। इसलिए स्कैल्पिंग का फर्स्ट एंड लास्ट ये रूल्स है, पहला कभी इसको भूलना नहीं, क्वांटिटी कभी भी एक बार में ऐड नहीं करना है, क्वांटिटी कभी भी एक बार में ऐड नहीं करना है। फर्स्ट क्वांटिटी आप पहले 100 200 आपके कैपिटल के हिसाब से, और ये श्योर है कि 99 टाइम्स मार्केट आपका बाय करते ही थोड़ा सा नीचे आएगा, वही तो प्राइस सेक्शन नीचे आएगा और उसके बाद फिर ऊपर जाएगा, समझ लो आप सही हो, नहीं तो फिर आप गलत हो। उसके बाद यहाँ तो पता चल जाएगा कि भाई आपका ट्रेंड आपका कैसा है, ठीक है, ट्रेंड आपका कैसा है। तो आज ICICI बैंक एकदम चुंबक जैसा अटक गया है, ठीक है, जिसके कारण वो ना ही बैंक निफ्टी को गिरने दे रहा है, ना ही बैंक निफ्टी को बढ़ने दे रहा है ना। तो एक बार फिर से दोबारा बोल दे रहा हूँ जितने लोग लेट से आए, 325 का समरी यही है कि एज इट इज होल्ड करना है, कुछ उसको टच नहीं करना है, एज इट इज होल्ड करना है। और एक सेकेंड, मोमेंट होने लगा क्या, चलो बात कर लेते हैं। 325 का एज इट इज होल्ड कर कुछ करना नहीं, कल एडजस्टमेंट के लिए या तो हम लोग 30 मिनट के लिए केवल सेशन कर लेंगे, ओनली फॉर 30 मिनट या 10 मिनट के लिए, ठीक है,
और या तो हम लोग क्या करेंगे, ये मैसेज के थ्रू जो एप्लीकेशन के में जो ग्रुप बना है उसमें मैसेज के थ्रू आपको मैसेज चला जाएगा, ठीक है, मैसेज चला जाएगा, यही है। तो अभी भी मतलब पी सेल करने के जो हम लोग सेल किए थे, लेकिन अब हम लोग बस सेफ्टी के लिए क्लोज कर दिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन ये एक हैबिट बना लो, ठीक है, कि आप ट्रेडिंग में आए हैं तो प्रॉफिट लो चलते रहेगा, और किस मार्केट में ट्रेड करना है, किस मार्केट में ट्रेड नहीं करना है, ये सारा चीज़। और ऑनेस्टली बोलूँ तो 325 का केवल हम लोग सेफ साइड के लिए पी को रखे हुए हैं, ठीक है, पी को रखे हुए सेफ साइड के लिए, कि क्योंकि इस एक्सपायरी में होता है ना कभी कभी 40 रुपये वाला आपका 300 रुपये 40 रुपये हो जाता है, ठीक है, केवल सेफ्टी के लिए हम लोग रखे हैं एक्सपायरी, मतलब ये पी है ना। अभी आप कुछ भी कीजिएगा, एक बार पहले स्टॉप लॉस हिट होगा, उसके बाद टारगेट देगा, एक बार स्टॉप लॉस हिट होगा, एक बार टारगेट देगा, तो अभी कुछ निकलना नहीं। वैसा यदि हम लोग को सी थोड़ा सा और डिस्काउंट मिलता है या पी बहुत थोड़ा महंगा मिलता है, तब हम लोग वहाँ पर ट्रेड मतलब ले सकते हैं, ठीक है। अभी देखो 340 था तो नीचे आ गया, मतलब वहीं एक रेंज में फंसा हुआ है मार्केट। तो यही 325 का है, और केवल पी को हम लोग सेफ्टी के लिए होल्ड किए हैं हम लोग, बाकी ट्रेंड तो मतलब अप ट्रेंड है, लेकिन वही कि कब क्या होगा कोई नहीं, किसी को पता नहीं, ठीक है। अच्छा 325 का स्ट्राइक प्राइस क्या था, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। सत्रह हजार 350 और 17,450 पे है ना, 17,350, तो 17,200 सी। ये ना अभी आप केवल 100 क्वांटिटी बाय कर लो आप, ठीक है, ये स्कैल्पिंग नहीं है, आप केवल 100 क्वांटिटी आप बाय कर लीजिए, ये 325 के हिसाब से हम लोग करें, कुछ तो प्रॉफिट हो जाए, है ना। आप ये बस 100 क्वांटिटी बाय करके छोड़ दो, है ना, और जिनका बहुत ज़्यादा फंड कम है तो आप एक लोट बाय कर लो, ठीक है, एक लोट आप बाय कर लो, मे बी इसको हम बोल सकते हैं थोड़ा रिस्की ट्रेड, लेकिन आप बाय कर लो। और आपको सेफ्टी रहना है तो एक सेकंड, जिनको जीरो रिस्क लेना है तो आप एक नया आप हेजिंग आज बना सकते हैं आप, है ना। जिनको कुछ रिस्क नहीं लेना है तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन बिना रिस्क का आप क्या कीजिएगा मार्केट में, रिस्क तो लेना पड़ेगा आपको ना। एक सेकेंड, जिनको थोड़ा सा रिस्क नहीं चाहिए तो वो ये कर सकते हैं, एक सेकेंड, 17,400 सी, उतना करने जरूरत नहीं, 17,450 सी, और 17,500 पे कितना प्राइस चल रहा है, 17,600 पे, आप ये 200 200 क्वांटिटी बाय कर लो दोनों, जिनको सेफ ट्रेड चाहिए कल के लिए, क्योंकि आज मूवमेंट नहीं हुआ तो कल, वैसे 99% चांसेस है कि आपका ये सी सेट होगा, लेकिन फिर भी फॉर योर सेटिस्फेक्शन, ठीक है, कि ये फुली सेफ्टी के लिए, ठीक है, ये फुली सेफ्टी के लिए, बाकी चांसेस है कि आपका सी से आईडी प्रॉफिट देगा, ठीक है, सी से आईडी प्रॉफिट देगा, जैसे आप ही 300 400 रुपये दे रहा होगा जो भी। जिनको थोड़ा रिस्क लेना है ये केवल 7,200 सी बाय कर लो, और जिनको रिस्क नहीं लेना है वो आप ये बाय कर लो, 450 सी और 17,600 पी, ये बाय कर लो, है ना। बाकी एज पर स्कैल्पिंग, ठीक है, अभी ट्रेंड मतलब आपका 50-50 है, तो वहाँ पे आपका लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड आपका पॉजिटिव है,
ठीक है, ओवरऑल आपका ट्रेंड आपका पॉजिटिव है। दिस इज़ फॉर सेफ्टी, आपका ये 17,400 सी और 17,600 पे ये हम लोग आज नया ट्रेड लिए हैं। बाकी ये आपका हीरो जीरो है, ठीक है, हीरो जीरो की मतलब अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। एज पर लॉजिक वही 325 के हिसाब से है ना, क्योंकि 50 रुपया से बहुत कम चांसेस होता है कि सोबर में ऐसा होता है, तो इसलिए ठीक है ये हम लोग बाय किए हैं। और जिनको रिस्क लेना, ये केवल मैं आपका खुशी के लिए मैंने पी बाय किया, मुझे पी बाय करने को शौक नहीं है, ठीक है, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने बाय किया है, ठीक है, कि ताकि कल आप ये नहीं बोलो मेरा लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है। आपको बस ऑप्शन दिया गया है, आप क्या करो नहीं करो आपके हाथ में है ना। बाकी इसके हिसाब से यदि केवल नेकेड को बाय किया है तो प्रॉफिट हो ही रहा होगा, है ना, तो प्रॉफिट हो ही रहा होगा। देखो अब तो ये में लॉस होने लगा, फिर भी आप प्रॉफिट में रहिएगा, है ना। जितने लोग नहीं ट्रेड लिए थे सुबह सुबह, सो सेलिंग लम लोग ट्रेड ले रहे थे, तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है, भले 1,000 रुपये प्रॉफिट हो लेकिन ये हुआ होगा, है ना। लॉजिक ही बता दी है क्या करना नहीं करना है, है ना। अठारह पॉइंट दे रहा है इधर से, और ये तो शौक से हम लॉस ले रहे हैं। पता नहीं खुलिया कि नहीं, एक बार पूछ लेते हैं भाई लोग से। मेरा हमेशा कंसर्न रहता है भाई कुछ तो प्रॉफिट हो जाए लोगों को। हाय हाय हाय, हाँ, आर यू देयर, मैसेज जा रहा है, चलो ठीक है। ये लॉजिक टाइम आ गया ना, मैंने जो लॉजिक बताया आप लोग को, ओके ग्रेट, ओके ट्रेड नहीं लिए तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये बस 325 के हिसाब से ये लिए हैं, यदि वो वाला 330 जाएगा तो ये वाला एटलीस्ट आपको 450 तक जाएगा, है ना। और हेज लिए हैं तो फिर आपको 300 प्रॉफिट होगा, और नेकेड लिए होंगे तो आपको 5,000 प्रॉफिट हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का लिए होंगे। ओके चलो ठीक है, तो वही मैं बोल रहा था कि कल सेशन नहीं होगा, ओनली 325 का एडजस्टमेंट के लिए, ठीक है, ओनली 325 का एडजस्टमेंट के लिए हम लोग इफ पॉसिबल तो मैं सेशन करूँगा, मतलब लाइव हम लोग जैसा कर रहे हैं, ठीक है, वैसा करेंगे, या तो मैं मैसेज के थ्रू आपको बता दूँगा, ठीक है, मैसेज के थ्रू आपको मैं आपको बता दूँगा, अंडरस्टैंड। हीरो जीरो देखो क्या हो सकता है, मतलब अभी बाय मत करना प्लीज़। हीरो जीरो क्या हो सकता है आपका, 17,600 सी आपका ये हीरो जीरो हो सकता है, ठीक है, बाय मत करना प्लीज़, यही बाय मत करना, पहले सीख लो अच्छे से। ये आपका 54 रुपीज़ है, तो कल इसको चेक करना कितना हो सकता है, एटलीस्ट आपका 120 तक जा सकता है हीरो जीरो के लिए, है ना, हीरो जीरो के लिए ये आपका 120 तक जा सकता है। एग्जिट कर सकते हो, जिनको थोड़ा सा रिस्क लेना है 325 में, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, आप एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 325 में ये आप एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है।
अरे भैया कल लाइव आने वास्ते मैं तो तैयार हूँ यार, ठीक है? तभी तो हम लोग दोबारा कर रहे, कौन इतना करता है? आप ही लोग बोल रहे हैं कि रक्षा बंधन है तो ये है वो है, तो हम बोले ठीक है भाई, तो मजा मारो, हमको लाइव करने में क्या दिक्कत है? मैं तो बोल रहा हूँ कि कल हम लोग 30 मिनट के लिए लाइव करें, लेकिन उसको मैं काउंट नहीं करूँगा। वैसे वो कल करेंगे तो 5 डेज हो जाएगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट आप जिस मकसद से आएँ वो आप सीख करके जाइए, ठीक है? अच्छा आप लोग जिनका ज़्यादा फास्ट मैसेज आएगा कल करें कि नहीं करें, यस या नो में बस जवाब दो, यस या नो, कल लाइव करें कि नहीं? यस वाले लोग ज़्यादा है। चलो डन, कल लाइव सेशन होगा। ओके डन, कल लाइव सेशन होगा। तो ये जो पोजीशन लिए हैं एज इट इज रहेगा, और जितने लोग नहीं आ पाइएगा रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, ठीक है? रिकॉर्डिंग मिल जाएगा तो उसका टेंशन नहीं लेना। हो गया, समझ में आ गया? कल लाइव सेशन होगा। वो धोनी बोलता मैं खेलेगा। अरे भैया ऐसे मैसेज मत करो, मैं खेलेगा कैसे बोलते? तो समरी कर ले रहे हैं है ना, कि 325 का जिनको थोड़ा सा रिस्क लेना है तो पी को एग्जिट कर सकते हैं, और केवल आप सी को होल्ड कीजिए, और दूसरा अभी जो ट्रेड लिए हैं आप केवल नेकेड सी ही बाय कर सकते हैं, आप केवल नेकेड सी ही बाय कर सकते हैं आप 17,600 से ही, और जिनको रिस्क नहीं लेना है तो आप ये भी कीजिएगा, तो जो हम लिए हैं वो कर सकते हैं, है ना? तो अब ऑल ग्रीन लास्ट में आ गया हम लोग का, है ना? समरी इज हु हैव टेकन 325 पोजिशन, इफ यू वॉन्ट टू टेक सम ब्रिक्स लिटिल बिट देन यू कैन एग्जिट पी पोजिशन, एंड इफ यू वॉन्ट टू बी फुल्ली सेफ देन होल्ड ऑल पोजिशन एज इट इज। टूमोरो वी विल डू एडजस्टमेंट, टूडे वी हैव मेक टू मोर पोजिशन 17,200 सी नेकेड, इट्स नेकेड, एंड वन मोर पोजिशन फॉर हेजिंग फॉर जस्ट सेफ्टी पर्पज। इफ यू वॉन्ट टू टेक सम रिस्क देन बाय ओनली सी, अदरवाइज बाय बोथ पोजिशन 17,000। क्या क्या है भैया जो लिए हैं ये? तो कल हम लोग सेशन करेंगे, ठीक है? फिर से बता दो, कल रेडी हो ना आप लोग, आइएगा ना? चलो डन। तो आज बस आज काफ़ी लर्निंग मिला होगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि मैंने सबसे बड़ा जो लॉस किया ऐसे ही मार्केट में, ठीक है? क्योंकि मैं तो पहले ऑप्शन ही बाइंग करता था, बाइंग करो या सेलिंग करो ऐसा मार्केट में सब मरेगा, ठीक है? बाइंग करो या सेलिंग करो तो ऐसा मार्केट में सब लोग मरेगा, तो आपको नहीं मरना है। तो मैंने जो लॉस करके सीखा मैं ये सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है? हाँ, आज रात को लाइव सेशन होगा, उसमें गिव अवे का अनाउंसमेंट भी करेंगे और थोड़ा स्टोरी बताएंगे, ठीक है? तो आज का सेशन कैसा लगा आप लोगों को? क्या क्या सीखे? कुछ नया लर्निंग मिला? क्योंकि मैंने इतना टाइम दिया यार, मैं चाहता तो बोल देते नहीं मार्केट में कुछ नहीं होगा छोड़ दो, ठीक है? लेकिन मैंने पूरा टाइम दिया आपको, ठीक है? तो मेरा ये मानना है कि मैं जो सिखा रहा हूँ बस उसको आप प्रैक्टिस करो, ठीक है? फॉलो करो। प्रो टिप्स ये है ना, चलो मैं एक प्रो टिप दे देता हूँ।
प्रो टिप दे दूं। प्रो टिप चाहिए किसको? हाँ प्रो टिप्स यहाँ पे है, ठीक है। जो आप मंडे को ना जो ट्रेंड फाइंड करके, ठीक है, जो आप बैंक निफ्टी बाय करते हैं ना, उसका पूरा वीक होल्ड करो, ठीक है, पूरा वीक होल्ड करो, और बिना टेंशन फ्री नीचे आए 200 300 पॉइंट, वहाँ पे टाइम मिले तो आपको क्वांटिटी ऐड करो, ठीक है। जो फर्स्ट सेशन जो लिए होंगे उनको पता होगा, नहीं है आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो प्रो टिप सही है कि वीक में एक ही बैंक निफ्टी करो, जो प्रीमियम 500 ऊपर होना चाहिए, आपको वीक का आराम से 200 से 300 पॉइंट आपको मिल जाएगा। यही प्रो टिप्स आज का, ठीक है। मंडे को जो लेते हैं उसका पूरा वीक होल्ड करो, ठीक है, समझ में आ गया, पॉइंट क्लियर हुआ? दिस इज ए सिंपल प्रो टिप्स ऑन मंडे। विच वी मेक पोजिशन ऑन बैंक निफ्टी, वी विल नॉट डू ओनली स्कैल्पिंग, वी विल जस्ट होल्ड फॉर टिल एक्सपायरी, बट जिस एक्सपायरी में होल्ड रहेगा, ठीक है, उसमें आपको रिस्क नहीं लेना है, अंडरस्टैंड? ओनली नेकेड, नॉट कॉलर पुट। जो भी हम लोग हेजिंग के लिए लेते हैं ना, क्वांटिटी वही, आपके पास 50,000 है तो एक लॉट, 1 लाख है दो लॉट, डॉट सिंपल। आप देखेंगे आज भी नीचे आया, लेकिन ये फिर ऊपर ही जा रहा है। अरे भैया 325 का मैं कितना बार पूछे होगा, 325, हाँ सॉरी, अलग से वीडियो बना दूंगा। चलो पूरा बोनस बैंक निफ्टी का जो स्टेज ही आने वाला था, ठीक है, पब्लिक में नहीं नया डालूंगा, आप लोग को कर दे दूंगा, ठीक है। चलो तो कल मिलते हैं, कल सेशन होगा, फुल सेशन होगा, ठीक है, मतलब जब तक हम लोग प्रॉफिट नहीं हो जाए तब तक तो सेशन करेंगे, और फिर कल हम लोग डिसाइड कर लेंगे नेक्स्ट हम लोग फ्राइडे करें या नेक्स्ट हम लोग क्या बोलते हैं ये ट्यूसडे करें, है ना? तो मैं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए, आप लोग भी खाना वगैरह खाइए, रेस्ट कीजिए, ठीक है, हॉलीडे रहने दो, ठीक है, जब भी रहेगा। कल तो करेंगे, कल है ना, उसके बाद परसों कौन देखा है, कल पहले कर लेते हैं ना यार, कल करते हैं, ओके। प्रो टिप्स की अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है, टेंशन मत लो, जिनको नहीं सही में आया होगा, बहुत लोगों को सही में नहीं आया होगा, तो जो कंटिन्यू फर्स्ट डे से है उनको सही में आ गया, मैं क्या बोलना चाह रहा था, बाकी जिनको नए सेम आया, ठीक है, वो उनको वीडियो मिल जाएगा, ये प्रॉमिस कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी 369 का प्रॉमिस नहीं कर रहा, 30 पॉइंट का प्रॉमिस नहीं कर रहा, एक आपको ऑलरेडी स्टेज ही दिया हूँ, ठीक है, स्लीपिंग स्टेज ही, ठीक है, उसको फॉलो कीजिए, बाकी स्कैल्पिंग जो स्टेज ही दिए हैं, ठीक है, उसको फॉलो करना है। तो मिलते हैं कल, हु आर नॉट अंडरस्टैंडिंग हिंदी, डोंट वरी, आई विल मेक वीडियो इन इंग्लिश ऑल्सो, ओके। अभी लिखने का मन नहीं कर रहा, मेरा मार्केट आज मूड खराब कर दिया, ठीक है, लिखने का मन ही नहीं कर रहा, तो मैं वीडियो बना के डाल दूंगा यार, ठीक है। जो कल रखेंगे सेशन, ठीक है, क्योंकि 90% लोग रेडी है, तो जितने लोग नहीं आ सकते हैं वो वीडियो देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग वीडियो देख लीजिएगा, डेट सिंपल, ओके। अच्छा आप दिल से बताओ, एकदम दिल से बताओ, यदि आज सेशन नहीं होता तो आप कितना लॉस करते हैं, आज लॉस करते हैं कि प्रॉफिट करते हैं? तो मेंटर का मतलब ये होता नहीं है भाई, आपको एक रास्ता दिखाए कि नहीं भाई ये आपको जूस पीना है, मतलब जूस के परेशान नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये रास्ता में जाना है, ठीक है, बस रास्ता दिखाता है, बाकी आपको चलना खुद है ना। चलो तो आप लोग बचा ना, तो मैं जैसा दिल से सिखाना चाहता हूँ आप लोग दिल से अपना टाइम दो, ठीक है, तो जैसा मैंने बोला है, ठीक है,
श्री कृष्ण भगवान जैसा मैं आपको सपोर्ट करते रहूँगा, आप बस अर्जुन बनो, ठीक है। प्रो टिप्स के लिए वीडियो बना देंगे भाई, बैंक निफ्टी के लिए टेंशन रखो लो। चलो तो मिलते हैं कल, है ना। टेक केयर बाय, आराम करो, पोजीशन को भी कुछ टच मत करो, जैसा बनाया वैसा रहने दो, ठीक है। और हम लोग कल देख लेंगे, ठीक है। जिसने एक दिन का सेशन लिया है वो आप पुराना वीडियो आप परचेज करके देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो मिलते हैं भाई, ठीक है, कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम।